हर कोई हर कलाकार हर फिल्म मेकर बोलता है कि मेरी फिल्म अलग है हमेशा कहता है और सच में वो अलग कुछ देने का प्रयास करती है लेकिन ये फिल्म वाकई में अलग है और हमारे लिए तो ये सिर्फ अलग नहीं है तो अलग 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 है ये फिल्म में वो जो विजन था वो दादा को मालूम था म्यूज़िकल बोलते हैं ना म्यूज़िकल फिल्म म्यूज़िकल है इतने गाने हैं बारह गाने पंद्रह गाने लेकिन वो कैसे आएंगे वो गाने के तरह आएंगे या स्टोरी के तरह आएंगे या उसमें स्टोरी टेलिंग होगी ये चीज़ें मालूम नहीं थी जैसे कोर्ट देखी होगी आपने एक बार मैं रणवीर सर से बात कर रहा था तो उन्हें बताओ उन्होंने मुझे बताया कि उनको कोर्ट बहुत अच्छी लग रही थी तो नॉन मराठी लोग भी मराठी सिनेमा देखते कॉन्टेंट येस कॉन्टेंट है इसलिए लोग देखते लेकिन एक, एक ग्लैमर जो था जो आज के यूथ को चाहिए वो भी मराठी सिनेमा में आ गया सर्कस के बारे में बात करेंगे यार सर्कस के बारे में बहुत कुछ बोलना है बहुत कुछ है उसके बारे में बात बात करना लेकिन वो बहुत टाइम है अभी तो आपको सबको ऑफिशियली मालूम है कि रोहित सर कर रहे हैं सर सर कर रहे हैं, मैं भी जॉनी है, सर है, संजय मिश्रा तो लोग फ्रॉम तमाशा लाइव हाई ये तो मैंने आपके मूवी का ट्रेलर देखा एंड मुझे इतना इंटरेगिंग लगा

अप्रीशिएट होती ही थी आफ्टर लॉकडाउन जिस तरीके से मराठी सिनेमा भाग पड़ा है ना तो वो अच्छी बात लगती है ये मराठी इंडस्ट्री का एक भाग होने के नाते कि अच्छा लगता है यार मराठी फिल्में अपनी बहुत चल रही है जो अपने माए बाप रस्से के प्रेक्षक है वो मराठी सिनेमा देख रहे हैं और पब्लिसिटी भी अच्छी हो रही है तो उस रेस में ये हमारी फिल्म आ रही है जो कुछ जो जो अलग है अलग है लेकिन उसमें एक एंटरटेनमेंट वैल्यू भी है और ये बात मेरे किरदार की तो ये फिल्म में मैं सूत्रधार प्ले कर रहा हूँ ये फिल्म जैसे ट्रेलर में आपने देखा होगा कि बीच बीच में मैं आपको नाचते हुए दिख रहा हूँ या बीच बीच में आप एक कुछ जोकर पैटर्न में कुछ आ रहा हूँ या फिर वारकरी के गेटअप में कुछ आ रहा हूँ तो अलग अलग किरदार निभा रहा हूँ लेकिन फिल्म को जो आगे लेके जा रहे जो दो बंदे जैसे मैं और हिमांगी कर रहे कि जो 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 स्टोरी है फिल्म की वो कैसे आगे बढ़ती है तो जो आगे बढ़ा उसको बढ़ाने का काम जो है वो ये नटी और सूदरदार कर रहे तो वो किरदार मैं कर रहा हूँ और अच्छा लग रहा है कुछ अलग है और हर कोई हर कलाकार हर फिल्म मेकर बोलता है कि मेरी फिल्म अलग है हमेशा कहता है और सच में वो अलग कुछ देने का प्रयास करती है लेकिन ये फिल्म वाकई में अलग है और हमारे लिए तो ये सिर्फ अलग नहीं है तो अलग 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 है क्योंकि बहुत सारे किरदार हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद आ, मेरी पर्सनली बहुत बड़ी फिल्म आ रही है इनकी तो बड़ी बड़ी फिल्में आती ही रहती है और मैं इनके साथ काम कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है बड़ी है लेकिन स्पेशल है मैं जेनुअनली आपको बोलूँगा कि इतने सालों से मराठी सिनेमा कर रहा हूँ हर फिल्म स्पेशल होती है जैसे अभी भी यही अभी भी यही फीलिंग है कि जैसे दो साल सिनेमा आ नहीं रहा था और आफ्टर लॉकडाउन दो ढाई साल आफ्टर लॉकडाउन सिनेमा आ रहे तो ऐसा होता ना मेरी पहली फिल्म आ रही है तो ये पहली फिल्म आ रही है और उसका डायरेक्टर संजय जाधव हो या उसके प्रोड्यूसर प्लानेट मराठी जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म हो या बड़े लोग हो तो वो स्पेशल फीलिंग आई जाती है तो हम हमारे लिए ये फिल्म बड़ी भी है और स्पेशल भी है जैसे आपने बोला बहुत टाइम के बाद आपकी बड़ी मूवी आ रही है इट वॉट वॉट वाई वॉज ब्रेक दो आ, कर रही थी प, 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 पता नहीं मतलब आ, ऐसे कोई रीज़न्स थे कि फिल्म आई लेकिन लगी नहीं रिलीज नहीं हुई लोगों तक पहुंची नहीं लेकिन प्लानट मराठी का नाम अक्षय बर्दापुर का नाम और संजय यादव का नाम इतना बड़ा है कि उनकी फिल्म आ रही है तो वो लगने वाली है और लोगों तक पहुंचने वाली है ये तो मुझे कंफर्मेशन है इसलिए मैं इसको बड़ी फिल्म कह रही हूँ और मैं खुद पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ ये मूवी आई थिंक बीस दिन में शूट हो के ख़त्म हुई जितना मैंने सुना है उन्नीस दिन, दिन।, दिन। वाओ तो उससे पहले बहुत प्रेपरेशन होगा ना हाउ वॉज द होल प्रेप मुझे लगता है ये फिल्म 50 डेज़ में या 50 या 60 डेज़ में ख़त्म हुई है उसमें से जो 20 दिन थे वो एक्चुअल प्रैक्टिकल थे जो शूट किए और बाकी के जो 30 35 डेज थे वो उसका एक वर्कशॉप हुआ था जैसे संजय जादव सर के घर पे हम लोग सब मिलते थे एज एक्टर एक्टर सब लोग मिलते थे वहाँ वर्कशॉप होता था कैरेक्टर पर वर्क होता था स्क्रिप्ट पे वर्क होता था सीन्स पे बहुत वर्क होता था तो वो जो वर्कशॉप हुआ है उसके वजह से ऑन फील्ड जब हम लोग गए तो हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि हम लोग क्लियर थे जैसे प्रोसीनीम और एक्चुअल एक्चुअल लो, लोकेशंस ऐसा वो उसका बेस है आप जैसे देखेंगे जैसे संजू दादा, दादा ने एक संजू दादा ने एक इंटरव्यू में बोला था कि उन्होंने शिकागो फिल्म देखी थी और उनको ऐसा कुछ म्यूज़िकल करना था कि मराठी में भी ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग म्यूज़िकल हो जाए और जितनी उन्होंने फिल्में की है उसमें सोचते थे कि यार इसमें हो सकता है क्या उसमें हो सकता है क्या लेकिन तमाशा लाइव ये ये कॉन्सेप्ट एप्ट है उनके लिए म्यूज़िकल फिल्म बनाने के लिए लेकिन उनको मालूम था वो म्यूज़िकल कैसी बनेगी या कैसी शूट होगी एज एक्टर मैं क्लियर नहीं था कि कैसे दिखेगी तो उन्होंने रेफरेंसेस बताए थे कि यही जो सूत्रधार है वो वो प्रोसिनियम में या थिएटर में ये कैरेक्टर कर रहा है लेकिन जब रियलिटी आती है तो ये कैरेक्टर में है तो उसका प्रिपरेशन हम लोग उनके घर पर या वर्कशॉप में करते थे कि मैं स्टेज पर ऐसा हूँ ओके okay. और कट टू जब शॉट आता है तो मैं रिक्शा समझो मैं रिक्शा वाला यहाँ हूँ और यहाँ हूँ तो दोनों में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटी है ये इधर ही वर्क करो क्योंकि शूट करोगे तो हम लोग सिर्फ यही पोर्शन शूट करने वाले हैं और वहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होगा एक्चुअल शूट पे कि मैं ये किरदार कैसे निभाऊँ हाँ। उसका आवाज़ कैसे होगा वो बोलेगा कैसे नहीं ये सो जो कुछ भी करना है वर्कशॉप में करो और ये मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने पहले भी संजय दादा के साथ इतना काम किया है तो ये वर्कशॉप क्यों विश्वास नहीं था क्या

आगे बढ़ना चाहिए ऐसे नहीं कि भांगरा आप है हुआ है और तुम आप शुरू कर रहे हो ऐसा ना हो इसलिए ये ये सारे वर्कशॉप किए गए प्रेशर नहीं था क्या कि जब बहुत शुट। बहुत क्योंकि ये पूरा मेरे लिए तो पूरा स्क्रैप हो गया है मेरा 20 साल का करियर क्योंकि मुझे कुछ कुछ किरदार बिल्कुल नहीं हो रहे थे मेरे से और ये बहुत हंसते थे मुझे चिढ़ाते थे लेकिन फॉर बेटरमेंट ऐसे नहीं कि इसको ना आए लेकिन और अच्छा है और अच्छा है एक सीन के लिए और एक किरदार के लिए तो मैं ब्लॉक हो गई थी और जब तक शूट नहीं हो रहा था तब तक वो ओपन नहीं हुआ और जिस दिन हुआ शूट वो ऐसे शूट हुआ कि दादा ने मेरे लिए ताली बजाई तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा था <laughs> ये नहीं प्रेशर नहीं था प्रेशर नहीं था लेकिन एक्साइटमेंट थी क्योंकि कुछ नया था कुछ अलग था और हम लोग कर रहे हैं फिल्म जैसे कॉमेडी कर रहे हैं रोमांटिक कर रहे हैं एक्शन कर रहे हैं तो वो हम हमें मालूम था कि ये ये जॉनर है फिल्म का हमको ह्यूमर लाना है हमको रोमांस करना है हमको एक्शन करनी है हाँ ये फिल्म में वो जो विजन था वो दादा को मालूम था म्यूज़िकल बोलते हैं ना म्यूज़िकल फिल्म म्यूजिकल इतने गाने हैं बारह गाने हैं पंद्रह गाने लेकिन वो कैसे आएंगे वो गाने के तरह आएंगे या स्टोरी के तरह आएंगे या उसमें स्टोरी टेलिंग होगी ये चीज़ें मालूम नहीं थी गानों की दो लाइन हो गई तो डायलॉग्स की दो लाइन हाँ। फिर गानों की दो लाइन फिर डायलॉग्स की दो लाइन ऐसा तो भी म्यूज़िकल यानी डायलॉग वाला, वाला म्यूज़िकल प्ले ये सब संजय दादो सर के दिमाग में था जो वो वर्कशॉप में उन्होंने हमको एज एक्टर क्लियर किया इसकी वजह से वो पैंतीस दिन और आगे के बीस दिन ऐसा है पचास दिन का हम लोग का लेकिन क्या थियरी और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल थोड़ा इजी हो गया क्योंकि थियोरी जो बोलते हैं ना बिलीव होता है कि डायरेक्टर पे होता है राइटर पे होता है तो इतनी अच्छी टीम थी कि हम लोग को ऐसे हो गया और आज बहुत एक्साइटेड है कि आ रही फिल्म पंद्रह जुलाई को आ जाए सो so, जब मैंने ट्रेलर देखा था मुझे ऐसा एक फीलिंग आया कि इट्स अ मिक्स ऑफ मूवीज लाइक अ फीचर मूवी एंड थिएटर लाइक वो पूरा सेटअप ऐसे था तो वॉज इट अ कॉन्शियस डिसन कि ऐसा ही रखना है वॉट वॉज द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन दैट यू ऑल हैड देखो मेरी तरफ मैं मेरे मेरे बारे में बोलता हूँ हम लोग ना पहले रीडिंग कर रहे थे रीडिंग mm -hmm. कर रहे थे डायलॉग बोल रहे थे एक दूसरे के साथ लेकिन वो कट टू ये होता है कट टू ये होता है तो एक दिन ना मैंने दादा को संजू दादा को बोला कि मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ यानी वही बोला ना थिएटर में होता है और फिर एक्चुअल भी होता है तो मेरा वो मोनोटोनी हो रहा था कि मोनोटोनस हो रहा था ये भी ये भी फिर उन्होंने शिकागो का रेफरेंस बताया शिकागो जो हॉलीवुड की फिल्म है उन्होंने बताया कि मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है उसके बाद हम लोग क्लियर हो गए तो ये कॉन्शियस डिसीजन ही था उनका ही था उनको ये उनको ये पैटर्न की ही फिल्म करनी थी उसमें आज का एक सब्जेक्ट डाले जो सब्जेक्ट लिया है उन्होंने जो हम सब लोग रिलेट कर रहे हैं और जर्नलिज्म को लेके एक बेस बना के उन्होंने एक अच्छी फिल्म अच्छी एक स्टोरी बनाई उसमें म्यूजिक लाया और एक अच्छा म्यूजिकली जैसे थिएटर और एक्चुअल ड्रामा मिक्स करके उन्होंने कुछ प्रेजेंट करने की कोशिश की और एक अच्छा मैसेज है जो एंटरटेनिंग है इंटरनमेंट इंटरटेनमेंट के थ्रू बताया जा रहा है क्योंकि आजकल किसी को मैसेज दो तो वो अच्छा नहीं लगता है वह हमको बहुत सिखाओ लेकिन दादा की हर फिल्म देखो तो कुछ ना कुछ है प्यार के बारे में है दोस्ती के बारे में है पैसों के बारे में है सब के बारे में एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करते हैं और इसी फिल्म में भी यही किया लेकिन बहुत ही एंटरटेनिंग वे में सो आप दोनों ने अपने अपने करियर में इतने अलग अलग किरदार निभाए हैं इस मूवी में भी कितने अलग अलग किरदार निभाए मैंने तो सारे पूरा बैकलॉग इसमें इसमें भर दिया है तो आपके पास ऐसा कोई ड्रीम रोल है क्या कि अभी लाइक वो बच गया है बस वो करना है मुझे मेरा है संजय दादा की मैं इसमें मैं कह सकती हूँ मैं हूँ लेकिन संजय दादा की हीरोइन बनना है मुझे लीड बनना है लव स्टोरी में काम करना है मेरे ऐसे बहुत सारे ड्रीम रोल थे जब करियर की शुरुआत की थी जैसे मेरी मराठी पहली फिल्म आई थी तो मैं एक प्ले कर रहा था आ, लोचा धालारे करके उसमें में मैं आदि मानो बना था तो तभी एक फिल्म आई थी टॉम हैंक्स की कास्ट अवे कि वो एक आइलैंड पे अकेले रहते हैं और वो पूरी फिल्म एक, एक एक्टर की है तो तभी मेरा वो ड्रीम रोल था कि यार ऐसा कुछ करने को मिले फिल्म में तो मुझे फिल्म में नहीं करने को मिला लेकिन मुझे थिएटर में करने को मिला मैंने एक प्ले किया था मी शाहरुख मांझा सुंबे जो एक अकेला बंदा थिएटर पर तो फिर उसके बाद ना मैंने कभी सोचा नहीं मैंने एक ट्रूमैन शो करके एक फिल्म देखी थी जिम कैरी की वो बिग बॉस के पैटर्न पे है उसके लाइफ की सब एक्चुअली तो वो मुझे लगा था यार ये करना चाहिए लेकिन उसके बाद फिल्में मिलती गई मराठी में अलग अलग किरदार करने लगा कॉमेडी से लेके फिर हीरो बन गया फिर रोमांटिक करने लगा फिर एक्शन करने लगा फिर विलन भी किया तो मुझे लगता है अभी कोई ऐसा ड्रीम रोल बचा नहीं जो आ रहा है ना वो ड्रीम रोल लग रहा है क्योंकि आप आपको एक काम यानी एक रोल मिलने के लिए आप बहुत भागा दौड़ी करते हैं फिर आपको रोल मिलता है फैक्टर करके सेटिस्फाई हो जाते हैं फिर वो हो गया ऐसा होता है फिर अब सोचते हैं अब क्या करें तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसे एक से एक एक से एक मिलते गए रोल जैसे महेश मांजरे सर ने मेरे को एक रोल दिया था लालबाग परस्टिटी ऑफ गोल्ड में वो स्पीड ब्रेकर का वो भी शायद से मेरा ड्रीम रोल था कि ऐसा रोल कभी मैं कर पाऊँगा क्या तो अभी ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि ऐसा रोल करने को मिले मुझे ऐसा लगता है कि जो जो मराठी मेकर्स है जो मेकर्स है वो मेरे पास ऐसा रोल लेके आते हैं जो मेरे को लगता है यार ये मेरा ड्रीम रोल है यार ऐसा करना चाहिए तो अभी जो जो आगे भी आ रहे हैं आगे आगे मैंने एक दस बारह साल के बच्चे के बाप का रोल किया है तो वो भी मेरा ड्रीम रोल कि मैंने भी कभी देखा नहीं था यार मैं ऐसे कर पाऊँगा वो वो अलग फिल्म है तो ऐसे, ऐसे 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 भी आ रहे हैं तो कर रहा हूँ तो जैसे आपने पहले बोला कि लॉकडाउन में बहुत लोगों ने मूवीज़ देखी हैं मराठी मूवीज़ का इतना पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुआ है तो आपको लगता है कि अभी फाइनली वो बाउंड्री चला गया है मराठी मूवीज़ का एंड फाइनली उसको ड्यू मिल रहा है उनका लाइक like, पहले भी पॉपुलर थे बट पीपल वुड गो बैक एंड लाइक नॉन मराठी स्पीकिंग पीपल अगर कोई मूवी रीमेक हुआ है तो देन दे गो बैक एंड सी दी ओरिजिनल बिकॉज मराठी मूवीज़ आर अमेजिंग आई एम बिंग वेरी ऑनेस्ट कंटेंट को ड्यू मिल रहा है क्योंकि बहुत सालों से कंटेंट को नहीं मिलता था लेकिन आजकल मिलने लगा है कुछ लोग भी अलग देखना चाहते हैं मेकर्स को भी अलग करना करने को मौका मिल रहा है तो येस नहीं मुझे ऐसा लगता है कि ड्यू पहले मिल चुका है यानी मराठी सिनेमा मराठी फिल्म का कोई कंपटीशन किसी कि, किसी इंडस्ट्री के साथ कंपटीशन नहीं है पहली बात तो तो ड्यू मिलना ना मिलना यह बहुत दूर की बात है यानी आप अगर पास्ट में जाएंगे तो जैसे जि, जितना मेरा नॉलेज है कि हमारे एक बहुत बड़े आ, एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हुआ करते थे जिनका नाम था स्वर्गीय दादा कौनकी जी सर उनकी फिल्में तो 75-75 वीक्स चलती थी तभी तो पब्लिसिटी नहीं होता था ना मीडिया ना कुछ तो और मराठी सिनेमा एक दौर आया जिधर स्वर्गीय लक्ष्मण बेड़े सर और हमारे प्यारे अशोक मामा इन्होंने पूरी इंडस्ट्री जमा रखी थी ह्यूमरस रोल निकाल के वहाँ भी फिल्में अच्छी चलती थी मिस मैं जिस दौरान आया मराठी या इंडस्ट्री में आया दो हज़ार में तभी एक फिल्म आई थी श्वास करके मराठी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन हुई थी ऑस्कर के लिए इंडिया इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री थी तो मुझे लगता है कि मराठी सिनेमा अपने अपने मुकाम हासिल कर रहा है टू बी वेरी फ्रैंक कोई किसी के साथ कंपटीशन नहीं है और हर साल आप देखो तो ऑस्कर के लिए हो इंटरनेशनल लेवल के लिए हो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो नॉन मराठी लोग मराठी सिनेमा देखते ऐसा नहीं कि लॉकडाउन में ही देखते अब अभ, अब अभ, अभी एक एक चीज़ ये हुई है कि मराठी सिनेमा ये ओवरसीज या एब्रॉड में भी रिलीज़ हो रही है बाकायदा रिलीज होती है जैसे जैसे एक फिल्म आई थी सहराट मैं एक फिल्म का हिस्सा था साढ़े बाढ़े तीन उन्होंने पंद्रह करोड़ कमाए थे तब भी फिर दे दिखाई जिन्होंने बीस पच्चीस फिर शिवाजी राजे भोसले बोली है शिवाजी मी शिवाजी राजे भोसले बोल तो फिल्म आई थी वो भी करोड़ों का बिजनेस कर रही थी फिर टाइम पास आई तो मराठी सिनेमा करोड़ों करोड़ में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी ले रहे सैराट ने तो हंड्रेड करोड़ तक अपना रिकॉर्ड बनाया था तो मुझे नहीं लगता मराठी सिनेमा का ड्यू है मराठी सिनेमा अपने इसमें बहुत बेस्ट है और वो इंटरनेशनली बहुत अक्लेम्ड है जैसे कोर्ट देखी होगी आपने hmm. एक बार मैं रणवीर से बात कर रहा था तो उन्हें बताऊ उन्होंने मुझे बताया कि उनको कोर्ट बहुत अच्छी लग रही थी तो नॉन मराठी लोग भी मराठी सिनेमा देखते कॉन्टेंट येस कॉन्टेंट है इसलिए लोग देखते हैं लेकिन एक, एक ग्लैमर जो था जो आज के यूथ को चाहिए वो भी मराठी सिनेमा सिनेमा में आ गया तो ये मराठी सिनेमा और अच्छा चल रहा है और जैसे मैंने अभी पाँच मिनट पहले बात किया था कि आफ्टर लॉकडाउन झिम्मा एक फिल्म है या पांडू है या फिर धर्मवीर अभी फिल्म आई चंद्रमुखी आई या अभी वाई करके एक फिल्म आई मुक्ता की आ, सर सेनापति हमबीर राव तो आप जो देखेंगे वो पिक्चर लोग देख रहे लोगों का मराठी सिनेमा पहले देखते थे

उसका मेन रीज़न मेरा मराठी थिएटर और मराठी सिनेमा है मराठी इंडस्ट्री में इतने काम इतना काम कर रहा हूँ या कुछ काम मिल रहा है जो अच्छा लोगों को पसंद आ रहा है उसकी वजह से मुझे अदर दैन मराठी में काम मिल रहा है तो ये अच्छी बात है और रणवीर सर भी मराठी सिनेमा देखते हैं जब रोहित सर देखते हैं तो अच्छी बात है सर्कस के बारे में बात करेंगे यार सर्कस के बारे में बहुत कुछ बोलना है बहुत कुछ है उसके बारे में बात बात करना लेकिन वो बहुत टाइम है अभी तो आपको सब ऑफिशियली मालूम है कि रोहित सर कर रहे हैं रणवीर सर कर रहे हैं मैं भी हूँ जॉनी भाई है संजय मिश्रा सर है तो लोग हैं और धतींग है ये तो पता चल गया क्या क्या है वो हम लोग तो यही बात करेंगे लेकिन अभी एक्साइटमेंट जेन्यूनली तमाशा लाइव की क्यों है क्योंकि बहुत दिनों बाद एक फिल्म आ रही है इतने दिग्गज कलाकार हैं सोनाली कुलकर्णी हो सचिन पाटिल हो हेमांगी भरत जादव सर है नागेश भोसले सर है पुष्कर जोक मनमित प्रेम भावे यानी कौन मृणाल देश पांडे यार और ना म्यूज़िकली मुझे म्यूज़िक के बारे में बात करना है कि जो अलग हम, हम मैंने गाया है मैं ये फिल्म में मैंने गाना है गाना गाया है इतने गाने हैं इतने फ्लेवर वाले गाने यार अभी वायरल हो रहे गाने तो एक स्पेशल फिल्म है हर एक के लिए हम हिमांगी के लिए हो मेरे लिए हो स्पेशल फिल्म है यार और जिस तरीके से उसको बैकिंग मिल रहा है प्लानिट मराठी अक्षय वर्धापुरकर और पूरी टीम का तो जैसे हिमांगी ने बोला था कि हाँ हमारी लाइफ की बड़ी फिल्म है स्पेशल फिल्म है तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है यार जेनविनली बो अभी बैठ के बात करें लेकिन ऐसा हो रहा है कि जाए जल्दी पंद्रह जुलाई आए और लोग देखें लोग देख क्योंकि ये मालूम है कि लोगों को अच्छी लगेगी कंटेंट है एंटरटेनमेंट है म्यूज़िक है ड्रामा है परफॉर्मेंस है और यूथ और फैमिली इन दोनों को अच्छी लगे ये 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 कुछ थाट है ये कुछ मैसेज है तो होपफुली वो पंद्रह जुलाई आ जाए जल्दी वांगी जी आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट आई होप यू डोंट हैव टू वेट टू लॉन्ग दिस टाइम एक uh, बहुत uh, अच्छी फिल्म है आ है mm -hmm. uh, तीसा शहर होना uh, जो uh, रसिका आगाशे करके एक फीमेल डायरेक्टर है उसने की है कांस uh, में जा चुकी है और फेस्टिवल्स में अभी वो घूम रही है तो वो बहुत एक मेरे लिए अगेन एक्साइटमेंट वाला uh, uh, फिल्म है और वो जल्द से जल्द लोगों के सामने आए यही दुआ करूँगी और इसमें सोनाली कुलकर्णी जूनियर है उसमें सोनाली कुलकर्णी सीनियर है तो सोनाली कुलकर्णी नाम होगा तभी हेमांगी हेमागी तो, और, और मैं, मैं अकेली हूँ जिन्होंने दोनों के साथ काम किया और एक ही साल में दोनों के साथ की हुई फिल्म रिलीज हो रही है तो ये एक अलग कुछ है वेरी वेरी नाइस नाइस थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी प्लीज देखो ऑफिस और बताओ लगा ऑब्वियसली नमस्कार मैं सिद्धार्थ यादव और आप देख रहे हैं न्यूज 18 शोशा इस चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए